नमस्कार, स्टडी जोन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी जोन और स्टडी जोन गवर्नमेंट जॉब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट जल्द से जल्द पा सकें। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण की महानिदेशक या डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा नीलम कपूर को। नीलम कपूर को 31 जुलाई 2019 तक भारतीय खेल प्राधिकरण की डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण जेटली ने किस राज्य में सेला दर्रा में नई सुरंग की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा सेला दर्रा में नई सुरंग की घोषणा अरुणाचल प्रदेश में की गई है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग जिले के बीच 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये जिले भारत और चीन की सीमा के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशनों पर 100% एलईडी लाइट वाला पहला रेलवे जोन कौन सा बना है? तो इसमें आंसर आएगा 100% एलईडी लाइट वाला पहला रेलवे जोन दक्षिण मध्य रेलवे या साउथ सेंट्रल रेलवे जोन बना है। आपका ये क्वेश्चंस आने वाले रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली हिंदू अल्पसंख्यक महिला सांसद कौन बनी? तो इसमें आंसर आएगा पाकिस्तान की पहली हिंदू अल्पसंख्यक महिला सांसद कृष्णा कुमारी बनी। कृष्णा कुमारी की पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स पावर वुमन 2017 का पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें आंसर आएगा टाइम्स पावर वुमन 2017 का पुरस्कार शबनम अस्थाना ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसमें आंसर आएगा पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नोबेल प्राइज सीरीज इंडिया 2018 का थीम विज्ञान जीवन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा कुसुम योजना सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित है। कुसुम की फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियोजन योजना। कुसुम का उद्देश्य पंपों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह योजना किसानों को अतिरिक्त बिजली बेचने का विकल्प देकर किसानों की आय में बढ़ोतरी करने का कारण बन सकती है और डीजल पंपों पर उनकी निर्भरता को कम कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला तितली पार्क कहाँ खुला? तो इसमें आंसर आएगा उत्तर प्रदेश में पहला तितली पार्क कानपुर में खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क कहाँ खुला? तो इसमें आंसर आएगा मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क रायसेन जिले के गोपालपुर में खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रक्षा औद्योगिक गलियारा किन दो शहरों को जोड़ेगा? तो इसमें आंसर आएगा भारत का पहला रक्षा औद्योगिक गलियारा चेन्नई और बेंगलुरु को जोड़ेगा और यह कोयम्बटूर और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसमें आंसर आएगा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। यह शिखर सम्मेलन ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित किया गया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2018 का विषय है पार्टनरशिप फॉर ए रिसाइलेंट प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में हुए अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप को किस टीम ने जीता? तो इसमें आंसर आएगा न्यूजीलैंड में हुए अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप को भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पहले अंतर्राष्ट्रीय कला मेला या कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसमें आंसर आएगा पहले
अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसमें आंसर आएगा भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला महोत्सव या नेशनल बनाना फेस्टिवल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसमें आंसर आएगा राष्ट्रीय केला महोत्सव 2018 का आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2018 से सरकार ने कितने रुपए से ज्यादा लेन देन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य किया है? तो इसमें आंसर आएगा सरकार ने 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा एग्जाम वॉरियर्स नामक किताब के लेखक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह पुस्तक पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा दुनिया का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा मुंबई हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तक अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसमें आंसर आएगा दस्तक अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से दस्तक अभियान की शुरुआत की। दस्तक अभियान की शुरुआत एनसेफलाइटिस सिंड्रोम और जापानी एनसेफलाइटिस की बीमारी को खत्म करने के लिए की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सक्षम अग्नि 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ? तो इसमें आंसर आएगा परमाणु सक्षम अग्नि 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण बालासोर उड़ीसा में हुआ। यह अग्नि 1 का 18th संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कल्याण विभाग की स्थापना किसके लिए की गई है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा में कल्याण विभाग की स्थापना किसानों के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइनो डे कब मनाएगा? तो इसमें आंसर आएगा असम राइनो डे 22 सितंबर को मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एमपी सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो इसमें आंसर आएगा मध्य प्रदेश सरकार ने पोल्यूशन मीटर ऐप लॉन्च की है। इस ऐप को एक निजी कंपनी और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने परमाणु सक्षम पृथ्वी 11 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? तो इसमें आंसर आएगा भारत ने परमाणु सक्षम पृथ्वी 11 का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा तट से किया। पृथ्वी 11 एक सतह मिसाइल है। यह 350 किलोमीटर की सीमा में हमला कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में किसका चुनाव किया है? तो इसमें आंसर आएगा बांग्लादेश ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अब्दुल हमीद को राष्ट्रपति के रूप में चुना है। अब्दुल हमीद 74 ईयर्स के हैं। बांग्लादेश में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 साल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 201 दिवसीय विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो इसमें आंसर आएगा दुनिया की पहली 201 दिवसीय विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी जुलन गोस्वामी बनी। जुलन गोस्वामी पश्चिम बंगाल के नाड़िया जिले की है। इन्होंने 2002 में अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसमें आंसर आएगा अभिलाषा कुमारी ने
मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। अभिलाषा कुमारी को मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला ने शपथ दिलवाई। अभिलाषा कुमारी हिमाचल प्रदेश से है और उनके पिता हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो इसमें आंसर आएगा जस्टिस एंटनी डोमिनिक ने केरल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इनको केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम ने शपथ दिलवाई। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हमेशा कि किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? तो इसमें आंसर आएगा वहां का राज्यपाल इनको शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसमें आंसर आएगा स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुथूट ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा मुथूट ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। अमिताभ बच्चन पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक शीतकालीन खेल कहाँ हुए? तो इसमें आंसर आएगा ओलंपिक शीतकालीन खेल पेंगचांग दक्षिण कोरिया में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर शहर में दादा दादी पार्क कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो इसमें आंसर आएगा हर शहर में दादा दादी पार्क झारखंड में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल गवोरा कहाँ खुला? तो इसमें आंसर आएगा दुनिया का सबसे ऊंचा होटल गवोरा दुबई में खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा भारत का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उमंग है। उपयोगकर्ता वेब स्ट्रीमिंग के माध्यम से या रेडियो ऐप डाउनलोड करके रेडियो उमंग को सुन सकते हैं। रेडियो उमंग गूगल ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। यह 24 घंटे के लिए कार्यक्रम प्रदान करता है। रेडियो उमंग की थीम प्यार शांति और खुशी है। विद्या माहेश्वरी को रेडियो उमंग का क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एग्रीकॉन 2018 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसमें आंसर आएगा राष्ट्रपति कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एग्रीकॉन 2018 का उद्घाटन कानपुर में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसमें आंसर आएगा नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूपों में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो इसमें आंसर आएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूप यानी वनडे टेस्ट और T20 में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन कब हुआ? तो इसमें आंसर आएगा अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेडियो उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो इसमें आंसर आएगा भारत का पहला रेडियो उत्सव दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज सीरीज इंडिया 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसमें आंसर आएगा नोबेल प्राइज सीरीज इंडिया 2018 का आयोजन गोवा में हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही स्टडी जोन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी जोन के साथ साथ स्टडी जोन गवर्नमेंट जॉब्स चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सके। आप YouTube के साथ साथ हमें Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।